हेलो भाई, तो मैंने नया फोन अभी खरीदा है। मैंने नहीं खरीदा, भैया बगल में भैया ने खरीदा। उनका फोन है 4K 30 FPS है। बटन दबा रहा है, लाइट लाइट अप डाउन हो रही। और अभी मेरा मेरे पास तो फिलहाल सैमसंग है ये। लाइट भी बहुत तेज है इसकी। हाँ बढ़िया है। हाँ अब इसको मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर इसको चेक करूंगा क्वालिटी कैसी आ रही है और स्टेबलाइजेशन कैसा भी है इसका। हाँ यार, यही तो गड़बड़ है, मेरे पे कैमरा सेटिंग सही नहीं होती है, चेहरा मेरा नीचे रहता है मोबाइल। तो अभी मेरे पास तो फिलहाल दूसरा है, दूसरा फोन है। हैं, ये आँख क्यों सही मारता है? ये हाथ से कुछ, इसका सेंसर कुछ गड़बड़ करता है या तो मैं हर मिनट पे मारता है, मुझे लग रहा है हर देखो। मिनट पे मारता है। तो गाइस, मैडम जी हो गई तैयार। मैडम जी हमें दे रही हैं 500 रुपये 500 रुपए दे रहे हैं खाने के लिए। खाने के लिए। लो खाने के लिए, लेकिन अब क्या खाना है वो मैं बताऊंगा अभी। रुको, खाना है चावल, मैडम जी ने बोला है चावल लेके आना। 500 कितने मिले मैडम? 500 के थोड़ी ना लेके ठीक है ना। अच्छा, हम कितना का लेके जाएंगे? कितने लेके आवा? चाहे 5 किलो लेंगे चाहे 10 किलो लेंगे। तो मैडम जी ने दिया है पैसा मेरे को 500 का नोट, इनके लिए लेके आना है मुझे चावल। ये भी तैयार हो रही है ड्यूटी जाने के लिए, बिल्कुल तैयार हो ही रही है बिल्कुल। मैं आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, पता नहीं क्या हो गया, आज मैं सोता ही रह गया यार। अभी 8 बजे इनने उठाया मुझे। तुमने उठाया क्यों नहीं मुझे यार? जो पैसा यार कहाँ रखा है, कहाँ रखा है जेब में, तो गड़बड़ हुई है। पर हम ले कब जा मोबाइल में डल लिया। मोबाइल में कवर, तो हाँ चश्मा है बाहू मुने भी दवाई दो। जब चश्मा पहनेंगे हम कहीं उन्हें से उठा लें। अभी मैं जा ना, जब नहा के ड्यूटी जाऊंगा ना, जब चश्मा पहनूंगा तब वो डब्बे में मुझे दिख जाएंगे, तब मैं जेब में रख के ले जाऊंगा। अब शाम को जब आऊंगा मैं ड्यूटी ड्यूटी से शाम को जब मैं ड्यूटी से आऊंगा ना, तब इनके लिए चावल लेके आऊंगा। मुझे अपने मोबाइल की कैमरा की सेटिंग पता नहीं चलती कि मैं कैसे कैमरा रखूं जो चेहरा सही आए। दिवाली पे बनाई थी गुड़िया इनने, वो देखो ले जा रही है कंपनी में नाश्ते में खाने के लिए। ये शुद्ध और देसी मिठाई है अपनी। इनका ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है, अब मैं यार अभी तक सोता ही रह गया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, आज बड़ा लेट उठ गया मैं। इतना लेट मैं कभी उठता नहीं हूँ। किनका हो रहा है? जगता क्या रहता हूँ, क्या नाम, मैं पूरी रात 12 बजे उठे हुए हूँ, 11:30 बजे उठे हुए हूँ, 11:30 बजे उठे, पूरी रात जग रहे हैं। तो गाइस, मैडम जी तो गई हैं ड्यूटी। अब मैं एक बार बाथरूम में जाकर के, गीजर में एक काम होना है, वो काम करता हूँ मैं। उसमें क्या होना है ना कि गीजर में एक बल्ब वो है जो एयर निकालने के लिए, ज़्यादा हीट हो जाएगा अगर पानी ज़्यादा हीट हो जाएगा तो उसकी एयर निकालने के लिए एक बल्ब आता है। ये चाकू ले जाता हूँ, ये ले जाऊँ या ये ले जाऊँ? और उसमें जैसे ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा, किसी ने अगर गलती से यहाँ चालू छोड़ दिया और यहाँ ज़्यादा ओवर हीट हो गया तो फिर ये फटने के चांसेस रहेंगे। और ये जो पेंच है ना, ये खोला जाता है, ये देखो खोला खोला हुआ है, ये खोल के ऐसे निकाल दोगे, जब खोल के निकल जाएगा ना उसके बाद ये अपने आप ऐसे उठ जाएगा। जब ज़्यादा हीट होगा, जैसे यहाँ पे एक पानी का वो लगा हुआ देखो, कभी मेरा हाथ चल नहीं रहा सही से, इसलिए खोल नहीं पा रहा हूँ। ये देखो खुल गया, थोड़ा सा ही बचा, खुल गया। मैं पहले चाकू से रख लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने पेज खोल दिया, ठीक है, अब जब मैं जब इसके अंदर जब हीट ज़्यादा हो जाएगी, वहाँ अगर प्लग ज़्यादा चालू रहेगा और एक कट नहीं होगा अगर, तो यहाँ ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाया करेगा। देखो ये देखो उठ गया, अपने पानी आ रहा है, देखो है ना। अबे पेंच में निकाल दे रहा हूँ, अपने आप खुल जाया करेगा और उसके बाद यह निकल जाया करेगी। तो हेलो गाइस, मैं नहा धो के हो गया तैयार। तैयार भी नहीं हुआ, तैयार तो फिलहाल हो रहा हूँ मैं। गीजर से गरम गरम पानी से नहाता हूँ, फिर बाद में पंखा चलाना पड़ता है मुझे यहाँ शरीर सुखाने के लिए। नहाने को टाइम पे तो आता है मज़ा, आज मैं सोता रह गया, थोड़ा लेट हो गया मैं। फ़ोन की सेटिंग नहीं बनती हम पे यार, किधर रखूँ जो चेहरा बीच में आए बढ़िया आए। एक्चुअली क्या ना, मैं तेल वगैरह लगाता नहीं हूँ बालों में, अभी ऐसा चेहरा दिख रहा है। अब मैं थोड़ा
अनार ले जाता हूँ, रॉ फूड पे ही रहा करूंगा। एक अरे यार सौदा भी लानी थी मैडम जी ने सुबह पैसा दिया था मेरे को, इससे मुझे लाना है। अरे यार और एक लौकी लेके आऊंगा और एक कद्दू लाऊंगा और अपने लिए आंवला लेके आऊंगा। पालक मिलेगी पालक लेके आऊंगा। मैं बैग टांग दिया और पहनता हूँ हेलमेट, अब निकलता हूँ यहाँ से। तो लगा दिया ताला बने, देखो अपने गेट का भी लगा दिया, इधर किचन का भी लगा दिया। क्या नाम तुम्हारा? महेश। गेट लगा लो अंदर से। मैं तो शाम को ही आऊँगा 5:30, तुम लगा के कुंडा घुमा के चले जाना, ठीक है? ये चमेली हमारी रात में बहुत धुंध मचा रही। क्यों रात में क्यों चिल्ला रही तुम? अरे हम तो परेशान हो गए। अरे ना अंदर करी जा, इतनी केवलियाँ खटखटा रही जैसे कोई आदमी खटखटा रहा हो। हाँ कोई बच्चा खटखटा रहा हो, ऐसा खटर खटर कर रहा है। मैडम करी ये ब्याहने वाली है, इसके पेट वेट में दर्द हो रहा होगा तब अंदर आने के चक्कर में होगी। मैं खोला नहीं पहले, पहले मैं भी सोच रहा है कि ये भैया उठे हुए हैं जिनने लक्का ने तक खोली हुए हैं। तो भाई जो ऑफिस से तो मैं निकल गया, मैं मैडम ने मेरे से मंगाया है चावल, लगाता हूँ चाबी और निकलता हूँ। अभी चावल लूँगा और मोबाइल का चार्जर लूँगा, जाके भी देखूँगा पहले कौन सा है। इससे सस्ता वाला नहीं है कोई? अरे यार ये तो टूटा हुआ लग रहा है, साबुत है। हाँ देखो और सस्ते में नहीं है कोई? इससे 40 वाला होगा पिया गया। ये मोटा है पतला है? मोटा ही होता थोड़ा। मंजूरी 50 का है? नहीं ये 40 है, वो 50। अरे यार महंगे हुआ चावल, क्या चक्कर है? मंसूरी तो महंगी है, मंसूरी का तो रेट बड़ा ही है। कुछ कम कर लो, 5 किलो दे दो भैया। इतने का ही बड़ा है, 290 का बढ़ जाएगा। कट्टा ही ले जाता हूँ तुम्हारे यहाँ से ही ले जाता हूँ। चलो सारा ही दे दो सर। अच्छा नहीं लगा तो बदल कर ले जाएंगे फिर। ये तो बहुत बढ़िया चावल है, हाँ पसंद नहीं आया तो बदलना हमारा फिर। अगर मुझे पसंद नहीं आएगा तो ये बदल के दूसरा ले जाऊंगा फिर। नौबत नहीं आएगी तो चलता रहेगा फिर। बांध देना यार, कमजोर आदमी होने तो हम गिर जाएंगे, इतना हम पे कट्टा उठेगा ना गुड़े उठेगी मोटरसाइकिल। हेलो गाइस, तो मैं ऑफिस से पहुंच गया घर और अभी मैं लाया था, मैडम जी ने मंगाए थे मेरे से चावल, चावल लेके आया मैं 7 किलो का कट्टा। पहले चाबी हटाता हूँ अपनी, क्योंकि वहाँ खोलना पड़ेगा ना गेट मुझे। चावल तो यहीं रखे रहने देते, मैडम जी आएगी तब उठाएगी, क्योंकि मेरे पे उठेगा नहीं है। मैं अभी ताला वाला खोल के बैठ जाता हूँ, इधर लाइट जला देता हूँ। हेलमेट उतारना पड़ेगा मुझे, हेलमेट और चश्मा। चश्मा रख देता हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगा अभी खजूर। आज मैं अनार लेके गया था, अनार खाया नहीं मैंने, अब खजूर 4-5 खाता हूँ तब चैन पड़ेगा मुझे। मेरी आदत पड़ी हुई है कि जब घर आऊँगा तो उसके बाद खजूर ढूंढता हूँ, मैं 4-5 खजूर खा लेता हूँ लेटे लेटे, तब चैन पड़ता है। ये खजूर है यही खाऊँगा, सेब भी है। अनार लेके गया था मैंने, खाया नहीं, बैग में पड़ा मेरा। तो गाइस मैं चावल लेके आया, मैडम जी ने मंगाए थे मेरे से ये चावल, देखो चावल में निकला, ये कटोरा गिफ्ट में दिया उसे चावल वाले ने, बढ़िया है जी। खिचड़ी बना के देख लो आज, बनाए तो बढ़िया करके बना लो आज, सोयाबीन वगैरह डाल। खिचड़ी का मूड़ी ये 50 रुपये किलो दिया था, मंसूरी बोल के दिया है ये धोखे धोखे में कटोरा आ गया उसका, कलर दाया है उसका कटोरा बेचारे का, ये गलती से आ गया, चावल उठा उठा के देने का काम है उसका इसी से। ढूंढा करे बाद गिरा के चावल लिए उन्हें चलोगे। चलो मैं दे आऊँगा फिलहाल कल जाके। तो भाई शाम के खाने में मैडम जी कुछ बना रही, झाल मुड़ी पता नहीं क्या बना रही, अभी चल के चेक करते हैं किचन में। ये चूरा भूननी है, इसमें मूंगफली दाने डालेंगे, फिर पता नहीं क्या बनाएंगी। मेरे चूरा का परमल बना रही, चूरा का परमल बन जा रहा है, ये नई रेसिपी बना रही है आज। चूरा भुने हुए भुजिया भी डालेंगी और इसमें मूंगफली दाने डालेंगी,
अभी देखो चूरा भुनना है, फिर मूंगफली भुनेंगी। तो देखो ये चूरा तो भून दिए, अब दोबारा घी लगा दिया, इसमें भुनेंगे मूंगफली के दाने। चूरा तो इधर भून दिए, पहली बार खाऊंगा मैं। अब डाल दिए मूंगफली, देखो जब तक मैं इसको, तो गाइस देखो मूंगफली के दाने इधर भून दिए मैंने, मैडम जी ने चूरा भून दिया। अब तुम था कही का, तुमने सुनी अनसुनी कर दी हमारी। मूंगफली दाने मिला दिए इनने, देखो जुड़ा ना चूड़ा डा ना थोड़ी डर जाओ, आधे आधे कल बस बस। चूरा तो बढ़िया तुम्हारे कुरकुरे पे। ये नमकीन डालनी है अभी थोड़ी, नमक डाल लो। अब इसमें पड़ रहा थोड़ा सा नमक, ऐसी झालमुड़ी कभी खाई नहीं मैंने, लेकिन अच्छी लगे जितने जाके अच्छी लगे। हाँ हाँ ऐसी बना, कभी झालमुड़ी बनी यार, नब्बू कमी है, खाली बड़ा कुरकुरी है। इस तो रंजो सवेरे बनाए हैं, बंद करके दे दें। ये पता नहीं नई तरीके से झालमुड़ी बनाई है मैडम ने, मैं भी खा रहा हूँ, देखो ये भी खा रही हैं। मूंगफली दाने आप भाई कुरकुरे बाद में बाहर बहा लो,